हमारे शरीर के लिए वर्कआउट जितना ज़रूरी है उससे कई ज़्यादा गुना ज़रूरी है अपना डाइट। हमारे शरीर के लिए एक सही डाइट की ज़रूरत रहती है वर्कआउट के बाद 45 मिनट से 60 मिनट के अंदर। हमारा शरीर खुराक को मांगता है, सिर्फ खुराक नहीं प्रोटीन वाला खुराक। अब हुई बात, और उस टाइम को अपने गवा दिया तो आपका शरीर कभी भी बढ़ नहीं सकता, जो शरीर की मसल से रिकवरी हो ही नहीं पाएगी। एक बात समझो, हमारा शरीर कैसे बढ़ता है मैं बताता हूँ। हमारे शरीर को हम वर्कआउट के दौरान मसल्स को तोड़ते हैं, बाद में जो टूटे हुए मसल्स है उसको रिजॉइंट करने के लिए, रिकवर होने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और वो प्रोटीन आता है परफेक्ट डाइट से। उसकी आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना। डाइट फॉलो करने से पहले कुछ नियम है जो आपको करने पड़ेंगे, उसमें आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। पहला नियम है फास्ट फूड को छोड़ना। आपको बाहर का खाना छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उससे आपका पाचन तंत्र वीक हो सकता है, और पाचन तंत्र वीक होगा तो खेल ही ख़त्म। क्योंकि आप कितना भी प्रोटीन वाला खाना खाओगे पाचन ही नहीं होगा, यानी शरीर बढ़ना रुक जाएगा, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा नियम है खाने के बाद घटाघट पानी नहीं पीना है, इससे भी पाचन तंत्र आपका वीक हो सकता है। पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग करने पर भी मैं वीडियो बाद में बनाने वाला हूँ। चलो अब बात करते हैं डाइट की। सुबह के उठने से रात के सोने तक की सारी डाइट बताऊँगा, खाली वीडियो को स्किप मत करना। सुबह सुबह उठने के बाद आपको बासी मुंह मटके का या तो तांबे के लोटे का पानी पीना है। आपको रात को तांबे के लोटे को भर के रखना है और सुबह पी लेना है उस पानी को। उससे पहले आपका तो पेट साफ हो जाएगा, बाद में सुबह के नाश्ते में आपको देसी चना और मूंग की दाल को भिगो के रखना है। उस दाल को आपको 12 घंटे तक भिगो के रखना है, फिर सुबह उसको आपको खा लेना है। फिर काजू या बादाम आप 4 से 5 खा सकते हो, या केले भी खा सकते हो। केले से मसल्स की ग्रोथ बढ़ती है और वजन भी अलग से बढ़ता है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, अगर देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हो। और एक ग्लास दूध लेना है, याद रखें कच्चा दूध लेना है, उसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। चाय की जगह पे दूध पियोगे तो सबसे अच्छा रहेगा, चाय को तो छोड़ ही दो अगर बॉडी आपको बनानी है तो। बाद में आप खा सकते हैं दलिया। दलिया में सारी दाल मिक्स करके दूध और घी का बनाया जाता है, जो शरीर के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही प्रोटीन वाला रहता है। दलिया की जगह पे आप ओट्स भी खा सकते हो उसके ऑप्शन में। ये तो हुआ सुबह का नाश्ता। अब बात आती है दोपहर के खाने की। तो खाना आपको ज़्यादा चटपटा या मसाले वाला या तेल वाला तला हुआ नहीं खाना है, आपकी स्टेमिना को नीचे ला के रख देगा। आपको सादा भोजन लेना है, यानी आपको भोजन में हरी सब्जी लेनी है। रोज़ अलग अलग दालें ट्राई करनी, अलग अलग दालें ट्राई करने से आपको सारी दालों का प्रोटीन रोज़ मिलता रहेगा। उसके बाद आपको भोजन लेने के बाद आपको एक गिलास छाछ पी लेनी है, या तो गुड़ खा लेना है जिससे आपका खाया हुआ वजन हो जाए। याद रखें आपको फ्रूट खाने के बाद में नहीं खाना है, शरीर पर खराब इफेक्ट हो सकता है। आपको फ्रूट सुबह ही खाना है, या तो खाना खाने से पहले खाना है, खाने से बाद में नहीं खाना है। रात का खाना खा के आपको दही ले लेनी है और बाद में सौंफ खा लेनी है, उससे रात का खाना पचन हो जाएगा। ये तो कुछ स्टेप्स जिससे आपका शरीर बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में ज़रूर बताना कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी।